कैसा लग रहा है आप लोगों घर में बैठे हुए? आ रही होगी फुल मोच, क्योंकि रोड पे तो कहीं जा नहीं सकते, बाइक राइडिंग कर नहीं सकते। जितने भी बड़े बड़े मोटर व्लॉगर है, कोई भी बाइक राइडिंग नहीं कर सकता फ्रेंड। तो वीडियो हमारी भी ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुकी है, बट हमें चैनल चालू रखना था, एक्टिव चैनल रखना चालू था, रखना पड़ेगा। तो भाई इसके लिए हम लोग बना रहे हैं घर में ही वीडियो एक और छोटी हमारे सी। पास कंटेंट भी बहुत अच्छा है, जो कि हमारा फ्यूचर कंटेंट है। अगले 2-3 महीने मतलब सब कुछ ठीक होने के बाद, टाइटल थंबनेल देख के समझ गए होगे। तो करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत। व्हाट्सअप बी ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज़ फराज, दैट्स खालिद ब्रदर, एंड वेलकम बैक टू द FT फिल्म्स। सो फ्रेंड, आज के व्लॉग में आप लोगों को एक बहुत ही प्यारा सरप्राइज़ मिलने वाला है, तो ये बताएंगे हमारे खालिद भाई। भाई जब सरप्राइज है तो बता तो सकते नहीं है, तो जब तक आप उसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी पूरी, एंड तक वीडियो देखेंगे तभी और समझ में आएगा सरप्राइज है कुछ जेनवन कुछ जेनवन। भाई मेरे लिए तो बस, मेरे लिए तो इतना ज़्यादा है कि मैं बोल कर नहीं बता सकता। और मेरे लिए मेरे लिए इतना उससे ज़्यादा भी ज़्यादा, मैं तो भाई बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ उसको लेके। मैं तो भाई मतलब भाई की चीज़ है, लेकिन मेरी भी तो चीज़ है ना, पहले तो मेरी है भाई। हाँ भाई, पहले आपकी है बाद में मेरी है। हाँ तो बस आप लोग समझ गए होंगे हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड, आप लोग भी कुछ ज़्यादा ही समझदार हो रहे हो, समझ जाते हो, तो आगे देखते हैं आप लोगों को दिखाने वाले हैं हम लोग क्या है। सो फ्रेंड, इससे मिलो, इसका नाम है खालिद भाई, बताइए। ये है भाई मेरी किट्टू, बहुत प्यारी कैट है ये, बहुत शरारती है, देखो गोद में रुक नहीं रही है, ये भाग जाएगी अभी थोड़ी देर में। तो भाई से मैंने इधर देखो, बोला है देखो इस उधर देखो, पर्सन से मिलाना है, तो इसको बहुत इमरजेंसी बुलाया हम लोगों ने, मगर ये रुकती नहीं है भाई के पास बिल्कुल भी, एकदम भाग जाती है। तो आप लोग देख सकते हो इसे, देख सकते हो किट्टू भाई। किट्टू बोलो तो खालिद भाई आप इसके ऑनर हो तो आपको ही बोलना पड़ेगा भाई मुझे ही बोलना पड़ेगा, जैसे कि अभी ये इसको देखो जाने देते हैं, ये रुकती नहीं है गोद में यहाँ पर बिल्कुल गोद भी। में रुकती नहीं है, क्योंकि गाइस इसको घर मेरा काफ़ी बड़ा है तो ये घूमती रहती है ऊपर नीचे इधर उधर, गोद में नहीं आती है क्योंकि इसको मैंने गोद की आदत नहीं लगाई है। इसीलिए जो है मतलब गोद में रुकती नहीं है। तो खालिद भाई इसका नाम किट्टू ही रखा आपने? किट्टू ही रखा भाई प्यार से, सोच रहा था मैंने, काफ़ी सोचा लेकिन कुछ समझ नहीं आया थोड़ा मेरे को, मैंने सोचा थोड़ा सा यूनिक है और मुझे पसंद था तो मैंने इसीलिए ये नाम रख दिया इसका। सो आप लोग देख सकते हो ये इतना सा बच्चा लाए थे खालिद भाई, और अब पाल हाँ के अडोप्ट इतना किया बड़ा था करा मैंने, दिया इसे, ये अडॉप्ट किया 20 डेज था। का था जब मैं लेकर आया था। हाँ भाई, सो मैंने भी सोचा था एक पैट ले लेते, लेकिन मेरे घर वालों में से किसी को पसंद नहीं है पैट वगैरह पालने, पसंद भाई अदरवाइज़ मेरे घर वालों को भी नहीं था स्टार्टिंग में, लेकिन मैं भाई को लेकर आया, शौक, लेकिन बाद में मैं कम केयर करता हूँ, घर वाले ज़्यादा केयर करते हैं इसकी। ऐसा होता है। लेकिन फ्रेंड्स, अभी आप लोग देख सकते हो दिल्ली के हालात, क्या पूरे इंडिया के हालात बहुत ज़्यादा नाजुक हो रहे हैं कोरोना COVID-19 को लेकर। अदरवाइज़ फ्रेंड, स्टे सेफ, स्टे होम। हम लोग भी घर में बैठ के व्लॉगिंग कर रहे हैं। मैंने बोला था भाई चलो कहीं बाइक निकाल के चलते हैं, बट भाई ने मना कर दिया जाने के लिए। क्योंकि बाहर निकलने के बाद भी कोई सेफ्टी नहीं है, दूसरी बात बाहर निकलने कोई फ़ायदा नहीं है गाइस, घर में रहोगे सेफ रहोगे। बाहर जाने का कोई मकसद भी नहीं है, हम लोग एक व्लॉगिंग के लिए जाएंगे, हम कितने लोगों की जान खतरे में हो सकती है भाई। हम ही इस लोग टाइम अगर भाई अपने गाइडलाइंस का फॉलो नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अदरवाइज़ घर में रहना ही सेफ है, बहुत जल्द इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस धीरे धीरे। वैसे ही गाइस देख रहे हो आप मेरे पीछे फराज भाई क्या कर रहे हैं, फराज भाई हैं हमारे, सज रहे हैं। नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, मैं सज नहीं रहा, मेरे बाल जो है ना मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। अदरवाइज़ मैंने हेयर बैंड लगाया बालों में। तो भाई कैसी लग रही है मेरी लुकिंग बालों की? बहुत ही बढ़िया लग रही है भाई। बड़े बाल करने की सोची है अदरवाइज़, लेकिन पापा तो भाई बहुत ही डांटते हैं बड़े बाल को देख के, वो वीडियो देखेंगे तो ज़रूर मेरी डांट तो पड़ने वाली है, सही बात है। लेकिन क्या करें थोड़ा सा शौफ तो बनता तो अब बता है। देते हैं गाइस हाँ तो आप बताओ भाई, आपको हम क्या लाने वाले हैं और किस एक टॉपिक पे बात सरप्राइज़। करने वाले हैं। टाइटल थंबनेल में तो सब लोग देख चुके हैं, समझ भी चुके हैं हम किस चीज़ की बात करें। तो ये है अपनी बेनेली 2021 600i, जो कि न्यू मॉडल भाई की सपनों की फेवरेट, रानी, हाँ भाई फेवरेट, और भाई मतलब एक सुपर बाइक अपने एरिया, अपने कॉलोनी एंड अपने घर फर्स्ट टाइम आएगी भाई, पिन कोड 44 में। 44 में, मतलब फर्स्ट टाइम बैनली 600i। भाई का प्लान है कि वो पूरे इंडिया में ही पहले डिलीवरी ले बाइक की, तो बस बिल्कुल आप लोगों भाई, की दुआ से अगर होता है ऐसा पॉसिबल तो हम इंडिया में ही पहले डिलीवरी लेंगे बैनली 600i, जो कि इस टाइम इंडिया में उसकी मार्केट रेट है 7 लाख, एक्स शोरूम प्राइस है, जो कि RTO ऑन इंश्योरेंस रोड और रोड मिला, ऑन रोड तो लगभग वो 7.5-8 के लगभग में पड़ेगी, और उसके बाद हम फाइनेंस कराते हैं डाउन पेमेंट देके, वो तो 10 लाख 9-10 लाख आप मान के चलिए बाइक की रेट पहुंच जाते हैं, जो कि 600 cc में डुअल चैनल ABS के साथ 11,000 बाइक का RPM है। और भी फ्रेंड्स सो मैनी मोर, उसकी डिटेल से मैं बताऊंगा तो शाम हो जाएगी, बहुत इसी बाइक है वीडियो वो, बहुत बड़ी हो जाएगी। वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो आप लोग यूट्यूब पर मतलब मैं अगली वीडियो जो बनाने वाला हूँ उसमें डिटेल ज़रूर दूंगा बैनली के बारे में पूरी। बाकी इसमें भी आपको मिलेंगी 30% डिटेल्स मिलेगी उसमें, फुल BHP नहीं पावर मिलेगी लगभग अभी। उसकी 80 की BHP पावर दे देती है, मैंने अभी चेक नहीं किया उसके बारे में, बाकी लेकिन न्यू वाली जो है उसके ग्राफिक्स भी चेंज हैं, भाई बाकी उसमें बहुत एक नया ज़बरदस्त कलर है। आया है,
हाँ, नियॉन ब्लैक क्या कलर है भाई, कलर है वो फेवरेट कलर है, बहुत ही प्यारा और कलर उसका है। सबसे प्यारी चीज़ मुझे लगी है उसका मीटर, मीटर मीटर मतलब है और फिर हेडलाइट उसकी चेंज हाँ करी है, वो मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छी लगी मुझे है। उसकी हेडलाइट तो लगभग ठीक थी लेकिन भाई को नहीं पसंद थी, और मुझे उसका मीटर नहीं पसंद था जो कि फुल LED कंसोल। भाई जब वो आता है ना घोड़ा दौड़ता हुआ एकदम, हाँ और एकदम बैनली लिख के जा, सच में बहुत प्यारा लगा। थैंक यू बैनली, आपने ये सब किया बाइक में, इतनी इंप्रूव करी बाइक, बहुत ही ज़्यादा चेंज। लेकिन रेट कुछ ज़्यादा बढ़ा दिए, 600 CC की बाइक में लगभग लगभग 4 लाख एक्स्ट्रा बढ़ा फोर है भाई। सिलेंडर है फोर सिलेंडर बात है वो, बस, पुरानी वाली में भी था, इसमें भी है। इसमें लेकिन रेट बहुत ज़्यादा हो चुके हैं भाई। रेट थोड़े ऊपर नीचे हैं, बाकी डिफरेंटेड भी है, लेकिन क्या डिफरेंट करें, भी थोड़ा ज़्यादा ही है। जब भाई को शौक है तो रेट कौन देखेगा, शौक की जगह रेट नहीं दिखते। अपनी फेवरेट तो भूसा है, लेकिन अभी जेब में भूसा भरा हुआ है ना, पैसे नहीं और ये घू अब है। ये घूसा गाने का भी काम कर रहे हैं। तो मतलब फ्रेंड लेंगे आप टेंशन मत लो, पहले बैनली आ जाए और फिर हम लोग भूसा भी लाएंगे। बस आप लोग सपोर्ट करो, अपन लोगों को, हमारे 1K सब्सक्राइबर बहुत जल्द होने वाले हैं। आप लोग चाहो तो 2 दिन में हो जाएं फ्रेंड। जितने भी हमारे फ्रेंड देखते हैं हमारे वीडियो, सब सब्सक्राइब करो चैनल को यार, मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अपने दिल्ली के लौंडे हैं भाई हम। दिल्ली के लौंडे एक दिन छाएंगे, टेंशन मत लो। लेकिन मैंने जो व्लॉगिंग सीखी है वो सीखे JS पारी से, मैं इस वीडियो में उनका नाम लेना चाहूँगा। मैंने उन्हीं से ये व्लॉगिंग सीखी है, मैं उनसे इंस्पायर्ड होकर बनाऊँ। मैंने उनकी वीडियो देखता था पहले, बहुत बढ़िया लगते थे मुझे उनकी वीडियो, तब से ही मैंने मोटो व्लॉगिंग का सपना लगा, और आज मैं मतलब अच्छे खासे सब्सक्राइबर लेके बैठे, वो भी 2-3 महीने में चैनल पर, और अब तक तो हमारे 1K क्रॉस हो जाते भाई। लेकिन प्रॉब्लम है लॉकडाउन की, क्या करें, कोविड की जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व होने से रह नहीं रही भाई, 1 साल प्लस हो गया इस चीज़। तो फ्रेंड इसे देखो, ये DSLR भाई का कौन सा है, नाइकन का। मतलब भाई इतने खोए रहते हैं कि अपनी जो मेन चीज़ है ब्लॉगिंग के लिए, इसे भाई ने बेड के अंदर डाल रखा था। तो आज हम लोग भाई, मतलब भाई के घर में आया था, तो मतलब इनके बेड खुलवाया हमने, सारा कबाड़ा निकलवाया था, उस कबाड़े में से मिला ये 28-32 हज़ार रुपये की चीज़ कबाड़े में पड़ी थी। फ्रेंड इसकी क्लियरिटी इतनी ज़बरदस्त है इस कैमरे के, भाई कितने डी का है ये भाई, निकॉन है आपका 3100D। ये 3100D का है, मतलब फ्रेंड इसकी क्लियरिटी काफ़ी बेस्ट है, और इसके रेट भी पहले काफ़ी, भाई मतलब पहले लिया था भाई ने, मेरे को टाइम हो गया ये मैंने लिया था, कोई 5 साल पहले, 5 साल हो गए मेरे को लिए हुए। तो स्टार्टिंग में मेरे को फोटोग्राफी का इसे शौक था ना देखते, काफ़ी। मुझे एक बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया आ रहा है कि आप लोग जाओ इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो, FT Films नाम से हमारा चैनल है, इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, तो वहाँ आप लोग फॉलो करो, जहाँ पे आप लोग अपनी राइडिंग की रील्स देखने को मिलने वाली हैं जो कि इस कैमरे से शूट होंगी। इसकी क्लियरिटी आपको वहीं नज़र आएगी कैसी है। तो अभी रुको, चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं दिखाने के लिए। तो ये भाई का मतलब भाई, ये मेरी शॉप दिखा रहे हैं। तो भाई मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, भाई हार्डवेयर करते हैं और सॉफ्टवेयर मैं करता हूँ। तो ये भाई का 52-33, तो ये देखो फोन था, ये नोकिया का 52-33 भाई ने रख रखा है, जिसकी सारा सामान है भाई, असेंबल करूंगा तो ऑन हो जाएगा, ये बैटरी नहीं है मेरे पास तो ये आप देख सकते हो, मतलब ये हड्डी है, इसकी हड्डी बोलते हैं, हड्डी बॉडी बोलते हैं। तो भाई ने मतलब पूरा टोल किट बना रखा है इसमें, अब क्या कर सकते हैं भाई अपने अपने शॉप। भाई मैं एप्पल भी करता हूँ, एप्पल वाला भी दिखा दो। इसके अंदर बहुत सारे बड़े हैं, ये देखो भाई का iPhone 5S का अंदर की जो निकलती है ना, क्या होती है भाई, क्या क्या दिखाओगे आप, ये सारी भाई ये ऐसा कुछ नहीं है, फराज भाई तफरी ले रहे हैं बाकी। तो मतलब अपनी हॉबी होती है भाई की, हॉबी है सॉफ्टवेयर करना उनको नए नए। मेरे फ़ोन का कैमरा ख़राब हो रहा था, मतलब डस्ट आ गई थी उसके अंदर, तो भाई ने उसको मतलब पूरी तरह ठीक कर दिया, समझ जिससे शूट कर रहे हैं जिससे हम लोग अभी शूट कर रहे हैं, तो इसमें डस्ट आ गई थी, आप लोग देख सकते हो इतने अच्छे से शूट किया है कि इसकी क्लियरिटी आप लोग यूट्यूब पर मैकेनिक क्या देख बोल सकते रहा था हो। आपसे तो मेरे को मैकेनिक ने बोला था कि भाई इसकी डिस्प्ले टूट सकती है, ये वो इसे करने में, तो भाई ने अपने आप कर दिया विदाउट ट्रिक्स के। भाई कह रहे हैं मैं नया ला के दूंगा, 12 ला के दूंगा अगर ये टूट गया। मैंने कहा भाई करो, तुम्हारा है जो मर्जी हो वो करो, मुझे टेंशन नहीं भाई।
क्या कर सकते हैं, मुझे यार थोड़ा ना हार्डवेयर का ज़्यादा शौक, कोई भी चीज़ मुझे मिलती है ना मैं खोल देता हूँ उसको, सो चेक करता हूँ ज़रूर कि आप कमी क्या है, भले ही ना हो। आई होप फ्रेंड आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, लेकिन कोविड के चलते भाई अपने अपने घर में रहो, वियरिंग मास्क, यूज़ हैंड सैनिटाइज़र एंड मेंटेन सोशल डिस्टेंस। अपने घर से बाहर तभी निकलो जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, नहीं तो फालतू मत घूमो। और अपनों का ख्याल रखो गाइज, अपने आसपास सफाई रखो क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फ्रेंड इस टाइम ऑक्सीजन की भी शॉर्टिंग थी, बट अभी हमारे इंडिया में प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, रिकवरी हो चुकी है। अदरवाइज फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा इमोशनल मोमेंट है इस टाइम पे जो है इंडिया के। बाकी गाइज आपके घर के आसपास जो भी हैं, जिन लोगों को खाने पीने में दिक्कत हो रही है, अगर आप लोग हेल्प कर सकते हो तो उनकी हेल्प करो, नहीं तो आप कॉन्टैक्ट दिला सकते हो या कहीं से भी जैसे भी हो सकता है उनकी। ये नहीं है कि आप उनको खाना पीने देकर ही हेल्प करें, कोई नंबर है, कोई लोग चीज़ें होती हैं हेल्प करने के लिए, मतलब इंसानियत के नाते फ्रेंड। क्योंकि इस टाइम ये ऐसी लड़ाई है कि इसमें हम सारे हिंदुस्तानी एक हैं और अपोनेंट में हमारे खड़ा है कोविड-19। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि 11-11 चल रहा है, क्रिकेट चल रहा है या चेन्नई और दिल्ली का मैच हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड। हम सब एक ही टीम में, हिंदू हो मुसलमान हो सब मतलब एक ही टीम में है। कोई मतलब ये नहीं करना कि हिंदू जा रहा है, हिंदू की तबीयत ख़राब है तो हम उसकी हेल्प नहीं कर सकते, क्या मुसलमान की तबीयत ख़राब है उसकी हेल्प नहीं कर सकते। धर्म निरपेक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ इंसानियत के नाते हेल्प करनी है, हम लोग सब एकता से रहना चाहिए। और फ्रेंड जो क्या कहते हैं अपना एज कोविड-19 है, बहुत जल्द हार जाएगा, नो टेंशन। बस फ्रेंड अपनी गाइडलाइंस को फॉलो करो और घर से बाहर तभी निकलो जब ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क हो, नहीं तो अपने घर में ही रहो, सेफ रहो, स्टे होम स्टे सेफ। गाइज आज करते हैं हम अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म। यार बहुत मेहनत करनी पड़ती है ब्लॉग बनाने के लिए, आप लोग लाइक ज़रूर किया करो, कमेंट किया करो, हमारी जो भी गलती है आप लोग बताया करो, आप लोग बताओगे तभी हम लोगों को पता लगेगा गाइज मिलेगी हमें। और डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब फ्रेंड, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग एक ब्लॉग बनाने में, मतलब इंस्टा पे जाके फॉलो करोगे ना आप तो हमारी मतलब मेहनत देखना, वहाँ दिखाएंगे आप लोगों के मतलब कितने शॉट गलत हो जाते हैं हमारे से। हम स्टोरी पे ज़रूर लगाऊंगा इस वीडियो के बाद में जब आएगी, तो आप इंस्टा पे फॉलो करके देख सकते हो फ्रेंड, बहुत मेहनत लगती है। तो फाइनली गाइज आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म, घर में रहें, सेफ रहें, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।